फ्रेंड, आज आपका हमारी इस नई वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास हुंडई कंपनी की i20 गाड़ी आई हुई है। फ्रेंड, इसमें प्रॉब्लम क्या है कस्टमर का, हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो देख सकते हैं, इसका आउटर हैंडल है जो देखिए ऐसा बाहर से खुलता नहीं है। देखिए, ये देखिए खुल नहीं रहा है। पीछे का देखिए खुलता है। ये देखिए, ड्राइवर सीट का जो हैंडल है खुल नहीं रहा। देखिए, देख रहे फ्रेंड कितना हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए तो फ्रेंड, हम इसको इसका डोर पैड जो है उसको ओपन करेंगे, ओपन करके चेक करेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। अगर आयल मार के हमारा काम हो जाता है तो हम इसको ऑयलिंग ग्रीसिंग कर देंगे ताकि कस्टमर का खर्चा बच सके, और नहीं होगा तो इसके अंदर जो चप्पल एक आता है लॉक के अंदर, वो चप्पल का हम स्प्रिंग का टेंशन चेक करेंगे। अगर वो कुछ रिपेयर होने लायक रहेगा तो हम एक बार कोशिश करके पहले डोर फुटा खोल के उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो देखिए, लॉक नहीं खुल रहा है। एक स्क्रू यहाँ पे आता है, एक स्क्रू इसके अंदर देख सकते हैं। यहाँ पे तो फ्रेंड, हम इसका ये जो कांच का पट्टी है इसको ओपन करते हैं और लॉक हम देखने के लिए कि लॉक में रश वश पकड़ाया गया। ये दोनों बोल्ट ओपन करो, एक एक नीचे वाला। इधर से हैंडल खींचो, ठीक है, छोड़ दो। तो फ्रेंड, हम सबसे पहले तो इसमें जरा ऑयल ऑयल मार के चेक करते हैं। ये जो चप्पल का स्प्रिंग है ये भी हार्ड होने के कारण इसका डोर लॉक खुलेगा नहीं। तो सबसे पहले तो हम कस्टमर का खर्चा बचाने की कोशिश करेंगे, ऑयल ग्रीसिंग करके देखते हैं। अगर हमारा काम हो जाएगा तो फिर हम इसे रिप्लेस नहीं करेंगे। मारो ऑयल, मारो, बस करो, थोड़ा बाहर से हैंडल अंदर बाहर करो। रुक जाओ, रुको, छोड़ो। तो फ्रेंड, हमने इसका ऑयलिंग कर दिया है। एक बार हम बंद करके खोल के देखते हैं कि हमारा दरवाज़ा खुलता है क्या। अब नहीं खुलेगा तो हम इसका लॉक खोल के सर्विस करेंगे, नहीं तो अंदर का चप्पल रिप्लेस करेंगे। सबसे पहले तो हमने ऑयलिंग किया है, एक बार चेक करते हैं। देखिए फ्रेंड, ये हमारा दरवाज़ा खुलने लगा। ये देखिए फ्रेंड, ये उंगली से खुल रहा है। देखिए, ठीक है फ्रेंड, ये हमने सिर्फ ऑयलिंग ग्रीसिंग किया है, ठीक है, आपके सामने हमने ऑयलिंग किया है, इसे हमने कुछ रिप्लेस विप्लेस नहीं किया है, ठीक है। ऑयलिंग करने से हमारा काम हो गया है तो हम इसका लॉक वॉक कुछ रिप्लेस नहीं करेंगे, ठीक है। अब हमने जैसा ओपन किया था वैसा फिट कर देंगे। तो ये हमारा लॉक का काम पूरा हो चुका है। एक बार और हम बंद करके चालू करके देख लेंगे। ये देखिए, देखिए फ्रेंड, ये हाथों से खुल रहा है। ये देखिए, ठीक है फ्रेंड, ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब हम डोर का जो पैड ओपन किए थे वो लगा दीजिए। फ्रेंड, हमने इसका डोर पैड भी लगा लिया है। इसको लगाने से पहले एक बार कांच चेक कर लेंगे हमारा काम कर रहा है कि नहीं। देखो फ्रेंड, ये हमारा ये भी काम कर रहा है। फ्रेंड, एक बार हम अंदर से भी खोल के देख लेंगे हमारा लॉक खुल रहा है कि नहीं। फ्रेंड, अंदर से भी हमारा खुल रहा है।
बाहर से चेक करेंगे। देखिए बाहर से भी खुल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए हम बाहर से भी दिखा देते हैं। ये देखिए ठीक है। तो ये फ्रेंड हमने कुछ इसमें खर्चा वर्चा नहीं किया है, सिर्फ हमने ऑयलिंग किया है, ऑयलिंग करके लॉक को फ्री किया है। आपके सामने जो किया है आप देख सकते हैं। तो फाइनली हमने जो ओपन किया था इसके दोनों स्क्रू लगा देते हैं, ये गाड़ी हमारा फाइनल हो जाएगा। के या बिना पार्ट डाले हम लॉक को किस तरह फ्री करें। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग को हमारे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।